नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, सबसे पहले आपसे कैसे सीड के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमने कैसर को 5900 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा था, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस तक 6000 के करीब जाके ट्रेड करता नजर आया था, लेकिन वहाँ पे 6000 का लेवल टच नहीं कर पाया था। अब खबरें ये हैं कि चाइना में ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि चाइना में भी ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिल रहे हैं, लॉकडाउन वाली परिस्थिति वहाँ भी है। दूसरा, भारत में भी जो डोमेस्टिक डिमांड है कैसे की, वो भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है, और जो यील्ड थी वो उसमें भी थोड़ा इजाफा देखने को मिल चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सब फंडामेंटल्स के मद्देनज़र आगे कैसर की जो कीमतें हैं वो नीचे कहाँ तक जा सकती हैं? में फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो अभी बाजार जो है थोड़ा वीक है, और टेक्निकली भी 6000 के नीचे लुढ़कना भी इसको वीक ही दिखा रहा है। और अभी जो एक्सपेक्टेड है नीचे में, देखिए 5800 का भी के आसपास हम देख रहे हैं, ऊपर में अब जो रेंज बन चुकी है 6000, तो नीचे में 5600, यानी 5600 से लेकर 6000 के बीच में फिलहाल बाजारों में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा अभी कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है कैस्टर के अंदर फिलहाल। इन स्तरों पर बाइंग अगर आती भी है तो मैक्सिमम अपसाइड जो बनेगा वो 6000 तक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी कैस्टर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, अभी इसमें कोई भी पोजीशन बनाने से बचे। शॉर्ट टर्म में अगर आपको बाइंग लेना हो तो शॉर्ट टर्म में आप 5800 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग लेकर चल सकते हैं जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का बाजार देख रहे 2900 के ऊपर सस्टेन हो चुका है। जैसा आपने 2900 का लेवल दिया था, टारगेट अचीव हुआ आपका। अब देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी यहां से देखने को मिल चुकी है। कल को हमने बिनौला खल का वायदा बाजार ऊपर में 2960 तक भी जाते हुए देखा था। रूपा जी, आपको क्या लगता है 3000 या उसके ऊपर का लेवल देखने के लिए कौन से लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है और ये कब तक देखने को मिल पाएगा? देखिए, हो सकता है कि इस सप्ताह के एंड में, यानी इस साल के एंड में, या फिर यूं कहें कि आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मे बी आज भी बाजार थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, आज भी ये लेवल अचीवेबल है, लेकिन एक बार लग रहा है कि इस हफ्ते में 3000 का स्तर छूता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है जी। तो यानी कि बिनौला खल बहुत ही जल्द आपको हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर 3000 का भी लेवल टच करके दिखाने वाला है। वहाँ पे अच्छी तेजी बिनौला खल के अंदर एक बार फिर से बनने वाली है। रूपा जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसाला कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि इस कारोबारी हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला है। लगभग ये तीसरा हफ्ता है जब मसालों में हम ये कमज़ोरी आते हुए देख रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे जाके जो रमज़ान का महीना आएगा और जो होली की तरफ से जो मसालों की डिमांड निकलेगी, तो क्या तब जाके वहां पे मसालों की कुछ अच्छी खासी कीमतें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, मसालों में अभी ट्रेंड जो है वो अखिलेश पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। और आप देखिए, कल की गिरावट के बाद एक बार फिर से आज बाजारों में थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ मार्केट दिखाई दिया, और मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड जो है वो कंटिन्यूशन में रह सकता है। और स्पेशली अगर बात करें हल्दी की, धनिए की और जीरा, दोनों तीनों ही कमोडिटीज में पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाइंग इनिशिएट होते हुए नजर आ सकती है जी। ये रूपा जी, बात करें अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में भी हमने एक रेंज देख ली है कैसर की तरह। कीमतें ज़्यादा गिर भी नहीं रही हैं तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं चढ़ रही हैं। कल की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का जनवरी वायदा 11100 के ऊपर सस्टेन है, 1.25% की तेजी है, और ग्वार सीड भी 6100 के ऊपर आज देखने को मिल रहा है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से ग्वार में आज इंटरडे में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल, ग्वार भी अभी पॉजिटिव है। जब तक आप देखिए कच्चा तेल एक अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, तब तक ग्वार में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी फिलहाल ग्वार में बाइंग जो है वो एक्टिव है, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि 10000 के बाद से जो एक बार बाजार करेक्शन आया उसके बाद से सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तेजी बनी रह सकती है और ऊपर में आपको गम के अंदर 12000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। इसी रूपा जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि कल को हमने सोयाबीन में 6100 के लेवल्स देखे थे, फिर शाम होते होते 6300 के लेवल्स देखने को मिले, आज भी देख रहे हैं 6300 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से सोयाबीन अभी कुछ और तेजी दिखला सकती है या फिर सोयाबीन यहाँ से अभी एक सीमित दायरे में ही रह जाएगी?
देखिए सोयाबीन में जो लेवल है वो देखिए अब 6500 ऊपर में है और नीचे में 6000 है, तो फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, 6000 से लेकर 6500 में फिलहाल बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि सोयाबीन में नीचे में 6000 और ऊपर में 6500 रुपये जी के अनुसार सोयाबीन में अभी एक ही रेंज देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसानों ने थोड़ी बिकवाली भी करी है, लेकिन अब किसानों ने होल्ड भी करके चलना शुरू कर दिया है सोयाबीन को एक बार फिर से, तो हो सकता है कि सोयाबीन में जनवरी के महीने में कुछ हल्की बढ़त भी बनती नजर आ जाए। रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनमें से एक हैं गिरदारी जी, जिनका सवाल मूंगफली को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है, मूंगफली बाजार आगे कैसा रहेगा, जनवरी के पहले सप्ताह में तेजी रह सकती है क्या? देखिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा तेजी उम्मीद ना करें, मुझे नहीं लगता कि ऊपर में बाजार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुझे लगता है कि बाजारों में सीमित दायरे में एक रेंज देखने को मिल सकती है। फिलहाल मूंगफली में छुटपुट बाइंग आ सकती है, लेकिन फिलहाल लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ रूपा राम गुडारा जी, जिनका सवाल कॉटन और बिनौला खल दोनों को लेकर आया है। ये जानना चाह रहे दोनों में आज क्या करके चला जाए इंट्राडे के लिए, खरीदारी या बिकवाली? देखिए मेरे हिसाब से बाइंग में ही रहना चाहिए, बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आगे चलकर तेजी ही बन सकती है। और 3000 का स्तर जैसा कि हम देख रहे हैं और इसके ऊपर निकलता है तो 3200 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक हैं सोमवीर सिंह जी, जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लंबी अवधि में ग्वार सीड 7000 का लेवल दिखा सकता है? देखिए बिल्कुल संभव है, 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, श्रीराम टोटे जी हैं, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। ये सोया तेल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सोया तेल में अभी ओवरऑल रुझान कैसा रहेगा? देखिए तेलों में अभी ओवरऑल रुझान की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान नहीं है। मेरे हिसाब से तेलों में बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, छुटपुट खरीदारी लौटती रह सकती है और जिसके चलते कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, खाद्य तेलों में अगर सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में हमने देखा है कि सीपीओ की सर्दियों में अक्सर डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि सीपीओ उन तेलों में से है जो सर्दियों में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सीपीओ की जो मांग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और हमने इसका असर लेवल्स पर भी पड़ता हुआ देखा है। आपकी तरफ से सीपीओ में क्या लेवल्स रहेंगे? और देखिए सीपीओ में मुझे लगता है कि अभी जो लेवल है वो 1060 से लेकर 1100 तक का रेंज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल अभी 1080 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि अगर अपसाइड यहाँ से पकड़ता भी है तो मैक्सिमम 1100 तक की तेजी पकड़ सकता है। जी रूपा जी, संदीप खटकर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल MCX कॉटन को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं MCX कॉटन कहाँ तक जा सकता है? देखिए कॉटन की बात करें तो अभी फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 33500 से 34000 तक मैक्सिमम एक बार तेजी पकड़ सकते हैं। जी रूपा जी, कपिल जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बिनौला खल फरवरी में 3200 तक जा सकता है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, 3200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे आज के लिए, आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर आज इंट्राडे में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ग्वार एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ग्वार के अंदर पॉजिटिव रह सकता है मार्केट, और ग्वार के साथ साथ बिनौला खल में भी तेजी बनी रह सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज ग्वार कॉम्प्लेक्स में खरीदारी में रहा जा सकता है, ग्वार कॉम्प्लेक्स में अच्छी खासी तेजी बनी रह सकती है, और दूसरा बिनौला खल, बिनौला खल बहुत ही जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर रूपा जी के अनुसार आपको 3000 का लेवल दिखा देगा। तो बिनौला खल और ग्वार, उनकी तरफ से आज इंटरडे में दो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं आपको। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।